सीएम सिटी करनाल में धड़ल्ले से बन रही हैं अवैध बिल्डिंगें। जी हां, और आज इसी मुद्दे को लेकर युवा बोलेगा मंच की टीम प्रदेश अध्यक्ष जेपी शेखपुरा के नेतृत्व में करनाल के नगर निगम कार्यालय में पहुंची और अवैध बिल्डिंगों के निर्माण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम की आयुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जेपी शेखपुरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े पूंजीपति और सरकार के चहेते धड़ल्ले से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण बिना किसी डर के कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर जिला प्रशासन और नगर निगम का भी कोई ध्यान नहीं है, या फिर यूं कहें कि जिला प्रशासन और नगर निगम जानबूझकर मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं मंच ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि इन अवैध बिल्डिंगों और इनके मालिकों पर कार्रवाई की जाए। अगर एक महीने के अंदर विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो नगर निगम कार्यालय के बाहर वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पोल गया, इनकी पोल खोल गया। यहाँ मेन कारण क्या है, यहाँ सीएम सिटी में हमारे खट्टर साहब ईमानदार आदमी विधानसभा से यहाँ से एमएलए बने हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यहाँ पर 500 से लगभग ज्यादा बिल्डिंगें बनकर के तैयार हो गई है। एक मंजिल बनाते हैं, दो मंजिल बनाते हैं, तीन बनाते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करते। उनको जानबूझ करके कह देते हाईकोर्ट में चला जाओ और सटे ले आओ। और अभी तक 88 बिल्डिंगों को तो ये दिखा दिया है अभी ये अवैध है, उनमें से एक सील करी है। अगर आम आदमी है, ये आम आदमी कोई भी मकान बना लेना, अब दरवाजा बंद कर देंगे जाकर के, तो इनको शर्म आनी चाहिए। पिछली सरकार में, इस सरकार में क्या अंतर हुआ? फिर जितने भी नेता हैं, इन नेताओं ने नेता ही मिलेंगे, जितनी बिल्डिंगें बनाई है इनके चाहते हैं, नेता है, अफसरों के आदमी है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसी के चीज के लिए ये जो पुरानी फाइलें उन्होंने अपने कार्यालय में रख रखी है उसको उठवाने के लिए, उस पे कार्रवाई कराने के लिए आज युवा बोल रहा है और इन लोगों की पोल खोल रहा है। सत्य खबर के लिए करनाल से मेनपाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।